महामहिम जी से मुलाकात की और साथ में हमारे तमाम और वरिष्ठ साथी और पदाधिकारी साथी साथ में है इस प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम जी से मुलाकात की और मुलाकात का मुख्य उद्देश्य बिहार में जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर आ गया और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, और ये इन भारी शब्दों का प्रयोग मैं से बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सबके कैमरे साक्षी हैं इस बात के, आप ही वो हैं लोकतंत्र का भैया, आप लोग चौथा स्तंभ है और आप ही लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर अपनी खबरों को बेबाकी से मजबूती से रखा है। आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी हो रही है, लूटमार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, उसके बारे में आप सब ने रिपोर्टिंग की और अधिकांश जगहों पर मैं खुद गया हूँ। हमारे पूर्व प्रत्याशी मनिहारी के अनिल उमराव जी जो कि अनुसूचित जनजाति से आते थे, उनकी जिस तरीके से अपहरण कर दो दिन तक मैं एसपी साहब के संपर्क में रहा, निरंतर उनसे बात होती रही, पर उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद कल मैं मेयर साहब के यहाँ गया, कटिहार के जो मेयर साहब हैं शिवराज पासवान जी, उनकी जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उनको बाहर बुलाकर सीने में 3 गोलियां सामने से लाकर दाग दी गई, चश्मदीद होने के बावजूद, आई विटनेसेस होने के बावजूद, जिस तरीके से शासन प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से उदासीन रवैया इन विषयों पर दिखाता है, उसी उससे पहले ठीक वहीं पर कटिहार के जो पिछले भी मेयर थे वो भी अनुसूचित जाति से आते थे, उनकी भी ऐसी हत्या कर दी गई, आज वो अपराधी पिछले 1-1.5 साल से खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया अपराध पर नियंत्रण बिहार सरकार पूरी तरीके से खो चुकी है, और इसीलिए हम लोगों ने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, गृह विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं की है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चले ये जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की है, पर उनके रहते हुए अगर बिहार में इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और खास तौर पर चिंता की बात इसलिए है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने समाज में पॉपुलर हो रहे हैं, जो प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो या अपने क्षेत्रीय स्तर पर हो, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये मैं इस बात को ज्यादा पुख्ता तरीके से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा एक अपना अनुभव रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में, मैंने उनको देखा है कि किस तरीके से जातीयता के आधार पर वो राजनीति अपनी करते हैं। कोई दलित वर्ग का या महादलित वर्ग का कोई व्यक्ति सामने आए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं होता। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को आप सबके कैमरों के सामने किस तरीके से कितनी बार उन्होंने अपमानित करने की कोशिश की, भाई जब बिहार के गवर्नर फोन करके उनका हालचाल पूछ रहे थे, जब देश के राष्ट्रपति उनका हालचाल पूछ रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता का हालचाल पूछ रहे थे, कोई सत्ता विपक्ष का चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा जिन्होंने फोन करके उनका हालचाल नहीं पूछा। वहीं जब आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि भैया उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो झूठते ही बोलते हैं, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव किया हो, उनके साथ हमेशा बदले की भावना रखी हो, और उनको टारगेट कर उनकी हत्या करवाई गई हो, उनको उनके ऊपर अपराधिक असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर अटैक करवाया गया हो, इन तमाम चीजों की जानकारी हम लोगों ने आज महामहिम जी को दी है, उनके संज्ञान में दिया है, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री जी के ऊपर से बिहारियों का विश्वास उठ गया। भाई मैं आशीर्वाद यात्रा पर हूँ और आप लोग मुझे टोकिए कि क्या मेरी आशीर्वाद यात्रा में क्या जन समर्थन नहीं आ रहा, क्या अपार जन सैलाब नहीं आ रहा, बोलिए कि मैं जहां जा रहा हूँ जिले में मुझे समर्थन नहीं मिल रहा। जो समर्थन मिल रहा है उसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मौजूदा बिहार की सरकार के खिलाफ एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। नफरत करने लगे हैं बिहार के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजनाओं से, इनकी नीतियों से। इन्होंने ही कहा था ना अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कि भैया अगर वहां पर कोई हत्या होगी किसी दलित परिवार में तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पहली बात तो हम लोग को इस बात का भी एतराज था, हम लोग को चिंता थी इस बात की कि भैया आपने हत्या की बात की है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस कोई दूसरी भावना के तहत हत्या बढ़ने लग जाए बिहार में, जो कि देखने को भी मिल रहा है कि भैया हत्या बढ़ी है। पर उसके बाद क्या आपने उनके आश्रितों को नौकरी दी? सिर्फ ये जो आप झूठे बहाने जो आप देते हैं चुनाव के वक्त, पूछिए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, भाई जहां पे हत्या हो रही है नालंदा में 2 युवक लड़कों को गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई, जहां मैं जा रहा हूं डीएमएसपी से मैं बात करता हूं, बोलते हैं कि भैया हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जो आप समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, खासतौर पर दलित महादलित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आप ठगने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी की तमाम इन झूठे वादों के खिलाफ, उनकी गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने महामहिम जी से मुलाकात की। गंभीरता से मैं धन्यवाद दूंगा महामहिम जी का कि जिस गंभीरता से उन्होंने हमारे हर एक प्रतिनिधि की बात को उन्होंने सुना, और उसके बाद उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है
कि वो बात करेंगे इसके ऊपर आगे, इसको गंभीरता से लेंगे। इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन हम लोगों को दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि राज्य सरकार से अब ना मुझे ना किसी बिहारी को उम्मीद बची है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र के हस्तक्षेप से बिहार में कम से कम बढ़ता अपराध नियंत्रित होगा।